ना कि फोर्स नहीं करना चाहिए, जनसंख्या यहाँ पर क्योंकि ताकत के हिसाब से कोई मतलब जो अपनी ताकत दिखाए और लोगों को जनता को तकलीफ हो ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि एक साल पहले भी यही स्थिति थी, यदि अगर यही स्थिति करनी थी तो एक साल पहले हम कर लेते, जो भी होना था हो जाता, फिर ये पैसा बिना मतलब का क्यों खर्च किया। और जब खर्च किया है तो जो बातें एक साल पहले हुई थी, आज भाई जब तक अल्टरनेटर आपको नहीं मिल जाता परमानेंट है, उस समय तक आपको ये रास्ता अल्टरनेट दिया गया था, तो इसको चलू रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है और ऐसा कहना भी है। और रही बात आज के इसकी स्थिति की, अब हम जो है वकील साहब और हम पाँच चार आदमी रहेंगे, मेरी प्रशासन से बात हुई है कि आप धक्केशाही ना करें, मैं वहीं मौके पर जा रहा हूँ, यदि अगर आप धक्केशाही करेंगे तो हम ये धक्काशाही करने नहीं देंगे। मुझे इस बात में कहने में कोई गरज नहीं है, मेरे इस कदम से यदि अगर सरकार के मुखिया नाराज हुए तो हो जाए, मुझे इस बात से कुछ नहीं है। मेरे को जनता ने पाँच साल के लिए अपनी रक्षा के, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने विकास के लिए चुना है और मैं अपना फर्ज निभाते हुए मेरे हलके की जनता पर किसी भी प्रकार की कोई, कहा कि किसी भी पर, मेरी बात पूरी हो जान दी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो मैं अपनी जनता के साथ हूँ, ना कि सरकार। सर, मुख्यमंत्री आपका फोन नहीं उठा रहे, आपने बोला है और डीसी साहब से बातचीत, उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद भी ये कह रहे कि यहाँ रास्ता ब्लॉक किया जा रहा, तो आपकी क्या बातचीत हुई प्रशासन से? क्योंकि प्रशासन से मेरी यही बात हुई है, प्रशासन ने कल मुझे कहा था कि आप डिप्टी साहब से बात करिए, मैंने कल भी डिप्टी साहब को दो बार टेलीफोन किया है, आज सुबह 8 बजे किया था, मैं कल इंतजार करता रहा, हो सकता है कहीं मीटिंग में हों और वो ना उठा पाए हों, और देख के मेरा टेलीफोन कर लेंगे, और अक्सर कर लेते हैं, अगर जब भी मैंने टेलीफोन किया उस समय ना उठाया तो बाद में आ जाता है उनका, अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो अभी वकील साहब का मेरे पास जैसे ही टेलीफोन गया, अगर भाई रास्ता बंद कर रहे हैं, तो मैंने तुरंत जो है डिप्टी सीएम साहब के टेलीफोन मिलाया, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं हुआ। फिर मैंने डीसी साहब को दोबारा फिर कहा है कि आप ये कदम मत उठाइए, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आप डिप्टी साहब से बात करिए, आप सरकार से बात करिए, जब तक आप मतलब जो है हल ना हो ये रास्ता बंद मत करिए, और आप प्रशासन को बोल दीजिए रास्ता मत बोल। सियाग साहब, संसद में साफ हो चुका है कि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट तो फिलहाल नहीं होनी है, आपको लगता है ये वेस्ट जो मनी है कि इतना पैसा लगा दिया? इस विषय पे तो जिन्होंने ये प्रपोजल बनाया है वो बता सकते हैं, और जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं वो बता सकते हैं, इस विषय के ऊपर मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे एक बार है मुख्यमंत्री जी ने, हम बैठे थे तो बोला जी आपको ये दे दिया, आपको कल आपको वो दे दिया, एयरपोर्ट बना दिया आपके हलके में। मैंने कहा जी पहले तो मेरे हलके में नहीं है, दूसरा मैं एयरपोर्ट के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो रास्ता बंद हो गया, मेरे तो हलके का 10 किलोमीटर रास्ता जो है कम से कम फालतू पड़ गया। बरवाड़ा जाना पड़ेगा तो 30 की जगह 40 जाना पड़ता है, और तलवंडी जाना है तो 5 की जगह 15 जाना पड़ रहा है, तो मेरे को तो इस बात की तकलीफ है। बने विकास हो, मुझे इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हलके को कोई दिक्कत हो, मेरी जनता को तकलीफ हो, तो मुझे उस विकास, ऐसा विकास मुझे नहीं चाहिए। अब इस समस्या का हल कैसे होगा सर? समस्या का हल है, ये रास्ता है, ये चलते रहने दें, जब तक स्थायी रास्ता हमें नहीं